मैं तनिषा दर रसोई क्वीन में आपका वेलकम करती हूँ सो वर्किंग फ्रॉम नाइन टू सिक्स इज ऑलवेज एन हैप्पी जॉब इन दैट टाइम वी जस्ट नीड समथिंग दैट वुड मेक अस हैप्पी सो फॉर यू ऑल आई हैव ब्रॉड एन एक्सोटिक इटालियन स्नैक दैट इज रेवियोली विच कैन यू मेड एट होम एंड दैट इज वेरी डिलीशियस सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग रेवियोली एट होम ओनली सो द इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग इज रिफाइंड ऑयल ऑल पर्पस फ्लोर मतलब मैदा नेक्स्ट वी आर यूजिंग इज सेमोलिना मतलब सूजी पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम ऑफ वाटर सो सेमोलिना और जो हमारी मैदा है वो मैंने 125 ग्राम लिया है एक मिक्सिंग बोल लेंगे सबसे पहले हम डालेंगे इसे मैदा तो यहाँ हमने मैदा डाली नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे अपनी सेमोलिना तो मतलब सूजी तो यहाँ सूजी में डालेंगे जस्ट बिकॉज थोड़ा क्रंचीपन आ जाए उसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चुटकी भर नमक सॉल्ट देन इसमें हम डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल जिससे कि इससे काम जो डो बना रहे हैं वो बने थोड़ा सॉफ्ट सा तो वन टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल डालेंगे एंड यहाँ नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा पहले नीट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सैंडी टेक्स्चर आ जाएगा जब सैंडी टेक्स्चर आ जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे वाटर और इसे अच्छी तरीके से नीट करेंगे तो नीट हमें अच्छी तरीके से करना है जिससे एक सॉफ्ट सा हमें डो रेडी करना है तो थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करिएगा और गलती से अगर कभी आपका वाटर ज़्यादा ऐड हो जाए तो वहीं आप मैदा थोड़ी और मिला के फिर उसको नीट कर सकते हैं सो इट दिन विल बी अ परफेक्ट डो तो अच्छे से हम बनाते रहेंगे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं घी के अलावा बट बटर डजनॉट गिव डार्ट कंसिस्टेंसी जितना द डो इज रेडी नाउ लेट्स डू द स्टफिंग पार्ट सो स्टफिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं कैप्सिकम ये 1.5 पॉइंट फाइव कैप्सिकम है मीडियम साइज़ की चॉप कर रखी है अनियंस टू अनियंस मैंने फाइनली चॉप कर रखे, रखे हैं एंड देन स्पनिज मतलब पालक ये वन ग्राम पालक है रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे मेरा फेवरेट और चिली फ्लेक्स पंच ऑफ सॉल्ट एंड देन द लास्ट चीज़ तो यहाँ मैंने चीज़ क्यूब ले रखा है आप तो चीज़ स्लाइस मोजरेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ कुछ भी ले सकते हैं तो मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हम डालेंगे ऑयल तो यहाँ वन टेबल स्पून बड़ा वाला वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इससे थोड़ा अच्छे से हीट होने देंगे अब हमेशा याद रखिएगा कि ऑयल जब तक हीट ना हो तो तब तक कुछ नहीं डालना चाहिए वरना ऑयल की स्मेल आ जाती है ऑयल तो तो थोड़ा अच्छे से हीट अप हो गया तो इसमें पहले हम डालेंगे अनियन तो यहाँ मैं अनियन डालूंगी सबसे पहले इन ग्रेड हम अनियन ही डालते हैं जिससे कि अनियन टूट तो क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर अनियन टू कुक तो अनियन हमें तब तक कुक करना है तो ये ट्रांसलुन ना हो जाए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए मतलब वो तो मतलब वो पक गया है ज़्यादा भी कुक नहीं करना ओवर कुक किसी भी चीज़ को नहीं करना है तो अनियन को अच्छे से स्टिर करते रहेंगे और कुक करेंगे तो इट विल टेक जस्ट वन टू तो टू मिनट्स जब अनियन कुक हो जाएगा वी विल ऐड कैप्सिकम तो यहाँ कैप्सिकम ऐड करना है और उसको भी अच्छी तरीके से स्टिर करना है जब हमारा कैप्सिकम थोड़ा क्रंची सा हो जाए तो हमें उसके बाद इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इन्ग्रीडियन इज़ तो हमारे रविओली की मेन चीज़ जो है स्पिनच स्पिनच प्लेज़ द मेन रोल ऑफ द रविओली तो स्पिनच डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे सॉटे करेंगे तो यहाँ वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज़ दैट एवरी वेजिटेबल शुड बी फाइनली चॉप सारी वेजिटेबल्स फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सबको लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करते रहेंगे ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरीके से सॉल्ट तो यहाँ बेसिकली पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे एंड देन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी ग्री रेड चिलीज तो ये टोटली totally ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं रेड चीज़ वन नहीं तो यहाँ मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ छोटा वाला वो भी और फिर इन अच, सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और सोटे करके बनाऊँगी थोड़ी देर बाद जब आप कुक करते रहोगे इसको आपको छोड़ना नहीं है आपको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है जिससे कि जो हमारा स्पनेच है वो जल ना जाए तो जैसे ही आप कुक करते रहोगे उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ा से मैशी दिख जाएगा जब ये मैशी हो जाए तो मतलब यहाँ हम डालेंगे अपना चीज़ तो यहाँ मैं ऊपर से चीज़ को ग्रेट कर, ग्रेट करूँगी और ग्रेट कर तब तक करना है जब तक ये अच्छी तरह हो ना जाए उसके बाद इस चीज़ को इस पूरी ग्रेवी में इस तरीके से मिलाना है तो ये ऐसा मेल्ट हो जाएगा और फिर मुझे इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है तो आप थोड़े ग्रेवी बना के मैंने यहाँ दो टमेटोज एक अनियन दो ग्रीन चिलीज़ और इसको मैं बॉईल करने के बाद ग्राइंड कर लूँगी तो देन मेरा आप देख लेते हैं डो हमारा रेडी हो गया ट्वेंटी मिनट्स हैव बीन डन इसको अच्छे से ऑयल लगाया तो चारों तरफ ऑयल लगा के अच्छी एक बार एक बार नीट कर लेंगे जस्ट फॉर बिकॉज ये कवर था तो नीट करने के कर बाद दो पोर्शन डिवाइड कर लेंगे फिर जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम लेंगे और अपने रोलिंग बोर्ड पे रखेंगे सो so, एक बार ऐसे नीट कर सकते हैं मैंने टोकर तो इसके ऊपर ऑयल लगाना है बोथ साइड और विद हेल्प ऑफ रोलिंग पिन इसे हम रोल ऑफ करेंगे तो यहाँ इट इज़ बेटर टू अप्लाई रिफाइंड ऑयल देन टू अप्लाई मैदा मैदा से अच्छा है आप रिफाइंड ऑयल ही इसके ऊपर लगाएं एक बड़ी सी चपाती बना लेनी है एंड देन हमें याद रखने की जो चपाती होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए विथ में मोटी नहीं होनी चाहिए चपाती बन गई है इसके चारों चारों साइड से हमें ट्रिम कर लेना है इसे हमें एक स्क्वायर शेप देना है तो मैंने विद हेल्प ऑफ पिज़्ज़ा कटर लिया है आप नाइफ की हेल्प से इसे कट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब उसे हम निकाल के साइड में रख देंगे इट विल नॉट गेट वेस्टेड ऐसा आप हमको पता ही होगा कि हम आगे इसको भी एक डो बना लेंगे डो में मिक्स कर लेंगे तो ये हम साइड में रख देंगे और इसका एक बीच से कट लगा लेंगे तो ये दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी अब आई वो टाइप मानते हैं कि रेवियोली लोग दो तरीके से बनाते हैं बट वी आर एक्चुअली मेकिंग द इटालियन रेवियोली जो मेन होती है देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया अब जैसे स्टफिंग है स्मिनज वाली वो हम इसमें दो ऊपर और थोड़ी सी नीचे रख देंगे तो यहाँ आपको याद रखना कि ये ज़्यादा भी मत रखिएगा और कम भी मत रखिएगा अगर ज़्यादा रखेंगे तो फट जाएगी कम रखेंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा तो थोड़ा थोड़ा रखिएगा एक पे रख लिया दूसरी वाली शीट से को फर्स्ट वाली शीट पे कवर कर देंगे और चारों साइड से अच्छे से, से सील ऑफ कर देंगे सील कर देंगे जिससे क्या होगा हमारी रेवियोली निकलेगी नहीं फटेगी नहीं और फिर जो दोनों हमने स्टफिंग के बीच में स्पेस होगी उसे विद द हेल्प ऑफ कटर कट कर देंगे तो यहाँ मेरी जो रेबियोली है दिस इज़ द एक्चुअल शेप ऑफ द रेवियोली जो इटली में यूज़ होती है अब सील करने के बाद इसे थोड़ा और अच्छा टेक्सचर देने के लिए या पैटर्न देने के लिए विद द हेल्प ऑफ फो मैं इसके ऊपर डिज़ाइन दे दूँगी तो फो के सारे साइड से दबा दूंगी और अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे रेवियोली माई रेड सो so नेक्स्ट रेवियोली का हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे तो यहाँ पैन में हम डालेंगे वाटर तो ये वाटर हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है थ्री टू तो फोर कप इसे अच्छी तरीके से बॉयल करना है तो याद रखिए वाटर बहुत ज़्यादा बॉयल होना चाहिए और इसमें हम आप अपने आप रेवियली डालेंगे ध्यान से डालिएगा कि रेवियोली फटे ना या इसकी स्टफ़िंग निकले ना तो ध्यान से हम जो डालेंगे फिर हल्के से इसे आराम से प्यार से हम इसे फ्लिप कर देंगे तो फ्लिप करेंगे तो इसको अच्छे तरह से कुक होने देंगे जस्ट वन मिनट ऑन बोथ द साइड एक एक मिनट दोनों साइड से आप ऐसे कुक कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा ज़्यादा देर कुक नहीं करना है वरना रेवियोली फट जाएगी तो यहाँ रेवियोली रेडी है हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जो होगा ग्रेवी एक पैन फिर से ले लिया मैंने इसमें मैं डालूँगी ऑयल तो यहाँ वन टेबल स्पून ऑयल डाला है फिर से ऑयल को मैं अच्छी तरीके से हीट अप होने दूंगी और अब इसमें मैं अपना मिक्सचर डालूंगी जो था टमेटो वाला टमेटो अनियन और ग्रीन चिली जो मैंने बॉईल कर लिया था और जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था वो मिक्सचर अब मैं इस ऑयल में डालेंगे हम जिससे कि हमारा वो मिक्सचर से पक जाए तो यहाँ हम इसको डालेंगे फिर इसको अच्छी तरीके से चलाएँगे कुक करेंगे जिससे कि हमारा टमेटो अनियन अच्छी तरीके से ऑयल में कुक हो जाए और हमारा बढ़िया सा एक फ्लेवर आ जाए टेस्ट आ जाए तो यहाँ देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे वंस इट इज़ कोक्ड और आप देखिएगा साइड में ऑयल रिलीज़ हो रहा है तब हम अपनी रेवियोली इसमें डालेंगे इंसर्ट डालेंगे बीच में रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे अच्छे से ग्रेवी डाल डाल के कि रेवियोली की चारों साइड से ग्रेवी हो जाए कवर ऐसे करेंगे इसको हमें फ्लिप कर देना है कि बोथ साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए तो इट विल जस्ट टेक थ्री टू फोर मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर हमारी रेवियोली इज़ रेडी टू बी सर्वड तो यहाँ इज़ रेडी तो सी द रेवियोली इज़ रेडी टू बी सर्व मैंने चीज़ के साथ ग्रेट कर रखा है आप भी कर सकते हैं विदाउट चीज़ अच्छा लगेगा अगर आपको मेरी ऐसी पसंद आई हो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन कुछ भी पूछने के लिए कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो